अभी मैं पिछले दिनों एक मॉल में खड़ी थी तो एक बेचारी बड़ी मासूम सी एक औरत सी ना मेरे पास आई, ऐसे चादर लपेटी हुई, आधी चादर ना इधर उसने दी हुई अपनी। तो मुझे आगे कहती है, आप हुमैरा चंदा है? मैंने कहा नहीं, मैं हुमैरा अरशद हूँ। कहती अच्छा, मैं रचंदा की छोटी बहन। एक और है ये इसी तरह की वाकया, तो कि हम लोग नॉर्वे से वापस आ रहे थे, तो ये जो कीबोर्ड पे भजन बैठे हुए हैं यही मेरे साथ थे, और साथ जो गिटारिस्ट थे, तीन की चेयर होती है, तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे। सुबह का वक्त था, तो मैं ना ऐसे भजन के साथ बात हो रही थी, सरगी का वक्त था, आहिस्ता आवाज में ना मैं इनको वो नाच सुना रही थी भजन को ना। तो एक बंदा बेचारा बड़ा पेंडू सा अजीब सा, वो कभी आई जाए, हमें देखे, खुश होए, बात ना करे, बस ऐसे खुश होकर फिर चला जाए। फिर थोड़ी कुछ देर बाद आए, ऐसे देखे, ऐवी मतलब होंदा ना ऐवी, कभी अंदर बज गया, कभी अंदर बज गया, मतलब सब कह कुछ नहीं रहा, चला गया। हुण जो तीसरी दफा आया ना, तो मैं इंज करके इन्हां नूं नाच सुना रही सां, तो उन्हें देखा कि मैं कुछ गा रही हाँ, तो वो खड़ा हो गया ना सीट के उत्ते, इंज करके हाथ रखे, और वेट कर रहा कि मैं किदों खत्म करा, मेरा नहीं ध्यान उहदे उत्ते। वो जो मैं खत्म किया ना, तो इन्हां नूं कहिंदा भाजन, चलो भी हुण तुसीं पिछे होई हो, तो मेरी वारी गाना सुन दी। मैडम कोई ऐसा कोई लिचड़ फैन साढ़े वाल का टकरिया जड़ा मगरी फिरदा रहा होवे तुहाडे? बड़े फैन इस तरह के भी मिलते हैं, बड़े बड़े कैरेक्टर्स, फैन भी तो नाले कैरेक्टर्स भी बड़े बड़े। एक जगह तो मैं शो करन लई गई, तो एक जाते ही मैंने कोई एक मजदूर टाइप का भाई उत्थे, कोई मेरे भांडे धोने वाला सी, कोई मेरे नाल सी, हजे मैं बड़ी हाँ अंदर, तो मैंने वो मिल पाया, कहिंदा तुसीं मैनूं पछाणिया? मैं क्या नहीं, मैं नहीं पछाणिया, मैं तुहाडा फैन हाँ। मैं क्या अच्छा, बहुत अच्छी गल है। अच्छा हुण मैं जिहड़े कमरे च बैठी हां, मैं दरवाजा खोल खोल के ना पुछी जा रहा, तुहानूं कुछ चाहिए? मैं क्या नहीं है, कुछ नहीं चाहिए बस, थैंक यू। फिर आ रहा, पानी चाहिए तुहानूं? कुछ नहीं चाहिए। जदों मैं स्टेज ते पहुंची, ते ओ भी आके खड़ा हो गया, ओ 60-70 रुपये ओहदी जेब च, ओहने इंज कड्ढे 10-10 रुपये वाले नोट, ते मेरे सामने ना इंज बहुत ही इंज करके वो बैठ गया, बहुत ही ना जिवें कोई पता नहीं पागल सी की सी, इंज ना कुर्सी दे उत्ते मेरे सामने ना 10 रुपये दे 60-70 रुपये इंज करके ना ते बैठ गया। हुण मैं जदों गाना शुरू किया, ते ओ स्टेज ते आ गया, जो मैं स्टेज पर गई, तो वह सामने स्टेज पर आके खड़ा हो गया मेरे सामने, तो खड़ा हो के, तो उ जो हाथ 10-10 रुपए से, उन्हें मेरे अगे ना देखी जा रहा मेरी अखा लो ना, कभी इंजन कर रहा अपनी अखा करके, तो कभी इंज कर रहा इंज करके, चाम रहा था। 10 रुपए के वो जो 60-70 रुपये से इंज सन, तो उन्हें ना मेरे लो इंज देख के ना, इंज उन्होंने ताश के पत्तिया आया मेरे सामने, मेरा भी ध्यान अंदर ही, तो मैं हसी जावा कि यार की कर रहे हैं। अच्छा वो 10 रुपये ना इंज करके ना मेरे लो, कि बहुत ही मैं 60-70 रुपये देख के मैं कहना कि यार ना अमीर आदमी। उन्हें ना एक और हरकत की थी, जो इंज ताश के पत्ते बढ़ाए, ते मैनूं इंज देख के ना, ते उन्हें नाल पैसे सन, उन्होंने इंज किया बस इंज करके ना इंज, ते उन्हें दिन मेरी एंट्री खत्म हो गई, ते उन्हें पैसे नहीं सुट्टे उत्ते। अच्छा, ते जदों जाहिर है पैसे सुट देंदा ते वापस किवें जाणा, मैं जदों उहदे कोलों दी लंघी ना हां, ते अगों की कह रहा, ओए मैं अरशद ने गाना खत्म कर दिता, हां जे असीं रकमां लै के खड़े हां, ते मैं आप सिंगर नहीं होती तो फिर आप क्या होती? हुमैरा अरशद आज पॉलिटिशियन होती, ब्यूटिशियन होती, डिजाइनर होती, या फिर घरेलू खातून होती? ये तो मुझे पता नहीं मैं क्या होती, लेकिन जो भी होती उस फील्ड में अपना नाम कमाती। कुछ सोचा हुआ नहीं था? यही सोचा था कि सिंगिंग फील्ड में आना है? मैंने बचपन से सोचा था कि मैं सिंगर बनूंगी और मैं एक दिन नाम कमाऊंगा। अच्छा, जैसे जब अपनी फील्ड से आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर आप डिसाइड करते हो कोई बिजनेस लॉन्च करना है, कोई काम करना है, तो आपने कुछ ऐसा सोचा है कि मैं किसी इंस्टीट्यूट को खोलूंगी जहाँ पे म्यूजिक पढ़ाऊंगी या ऐसे लोगों को मुफ्त पढ़ाऊंगी सिखाऊंगी, कुछ ऐसा है? ऐसा तो अभी तक नहीं सोचा, लेकिन मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ। अच्छा, आप करती हैं ऑलरेडी बिजनेस? 15-16 साल हो गए वो मैं करती हूँ। असल कमाई इन्हें उत्थे ही होंगी है,
अच्छा उतो कमा रहे ने ते इधर ला रहे ने वरना तानु पता ही है पाकिस्तान च फनकारा दा की हाल हुंदा है बिल्कुल कॉन्सर्ट्स बंद सब कुछ बंद करेंगे क्या बेचारे शादियां बंद आप करी जांदे ने आप शुक्र है अल्लाह ताला का कि किचन की प्रॉब्लम नहीं है वो वहीं से ही जो है सैलरी से और उससे जो है वो मगर जो फन का शौक है वो आप लोगों तक पहुंचा रही हो प्रॉपर्टीयां दे रेट मैडम दी वजह तो चढ़े इनकी वजह से क्यों जेड़े मकान नु मैडम ने खरीद लिया वो किड्डा महंगा हो गया बात तो सही है प्रॉपर्टी वाले खाली प्लाटा ते कॉलोनियां बनांदे ने ना मैडम ने एक नया स्टैंड शुरू कर रहे ने अंडरपास ने ना ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਾ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰਪਾਸ ਲਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਐਸਾ ਉੱਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਲੰਘ ਗਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਗੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ 2 ਗਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੇ ਲਈ ਬਸ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਐਸੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਇੱਧਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ 2.5 ਗਸ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਆ ਜੇ ਬੇਵਕੂਫੋ ਹਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇ ਏਡੀ ਲੱਕੀ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾ ਮੈਡਮ ਡਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਧੋਵਾਂਗੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸੱਜ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੋ ਜ਼ਰਾ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏ बहुत से फैंस और बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि सेल्फी बनाएं कभी आपका दिल किया है कि किसी के साथ सेल्फी बनाई जाए अच्छा वैसे काम के लिए तो क्योंकि जैसे मैं अब यहाँ आई हुई हूँ तो अपने फैन पेज पे डालने के लिए तो सेल्फी बनाती हूँ लेकिन ऐसा जैसा कोई नहीं जब मैं नई भी सिंगर थी मेरे अंदर तब भी ऐसी कोई चीज नहीं थी कि होता ना लोग भागते हैं लोगों के पीछे मामा शनाख्ती कार्ड बनवा जाके पहले शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं है लोटा साहब इनको डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत है डेथ सर्टिफिकेट ये आप तो नहीं बनवा सकते हो तुसी हिम्मत करो रिश्तेदार भी ऐसे काम वास्ते होंदे ने बस कहन भैया ओनू पता फिजा नु के मैं मरया पे आऊं देते जी बात हो रही थी सेल्फी की तो सेल्फी जो आप अपना एंगल लेती है ना ऐसे फेस का तो वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से लेती हैं मुझे लगता है जो सबसे खूबसूरत सेल्फी कोई लेता है कोई भी सेलिब्रिटी वो आप ही लेती हैं और आपकी सेल्फी में मैंने देखा है सारे स्टार्स आ रहे होते हैं मुझे भी ले लो मुझे ले लो मुझे भी शामिल कर लो ये बस पता नहीं मैंने एंगल कैसे लेती हैं एंगल अच्छा नहीं लेंदे महंगे मोबाइल तो बनवाओ ताड़ी भी उंजदी आएगी
नहीं सारे सबके पास ही महंगे फोन है, लेकिन कई लोगों के नहीं भी एंगल समझ में आते। ये भी सेल्फी बनांदा है। अच्छा 33-10 पे इनका मुंह आ जाता है उस। नहीं नहीं इन्हां दा मुंह नहीं होंदा, इस करके ना शटर स्पीड ते क्लिक कर देना। अच्छा वो जड़ियां 1 सेकंड च 4-5 तस्वीरां नहीं बनदियां। नाक आ जांदा किसी च, कान आ जांदा किसी च, मुंह आ जांदा। आ लॉजिक एंड फोटो पूरी कर लेंदे। हां मेरा मुंह तो बहुत बड़ा है ना, ताड़ी बड़ी अच्छी तस्वीर आंदी। हां निक्का जिया बारीक मुंह है, सामने भी तस्वीर लाओ तो लगता साइड पोज।